डेली पूजा पाठ कर रही हूँ। अच्छा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं दतिया झांसी ग्वालियर के पास है माँ बगलापीठ, मेरे एक गुरु जी हैं। तो पहला दर्शन में दर्शन दिया, बोला महाराज गुरुदेव ये करता हूँ। तो बोला कौन सा गड़ा मुर्दा उखाड़ लिए, ये तो दिल्ली का कमाई है, जो करते हो पंडित इसी से कमा खा रहे हो। मतलब जो पूजा पाठ जब तब हवन नित्य कर्म करते हो, इसे भगवान तुम्हें कमा के खिला रहे हैं। तुम दिल्ली का कमाई करते हो, पुण्य कमाते हैं। आप लोग आते हो, प्रणाम करते हो, आशीर्वाद देते हैं, तो क्या देते, कहाँ से देंगे? हमारे पास अगर खुद का पुण्य बल नहीं रहेगा, आपको कहाँ से देंगे आशीर्वाद, का क्या काम का? तो डेली गायत्री करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो इससे आप लोगों का कल्याण कर लेते हैं। जितना कल्याण करते हैं उसी हिसाब में दक्षिणा डालते हो जाते हो, है ना? ये डेली का कमाई है। मैं अगर चाहूँगा कि कुछ बड़ा करना है तो ज़्यादा RBI चाहिए ना, रिजर्व बैंक FD चाहिए ना। तो FD कितना कमाए हो, कितना FD है, मतलब स्टॉक कितना है। बड़ा करने के लिए फिर अनुष्ठान करना पड़ता है। घर नहीं है तो घर के लिए अनुष्ठान करो, बेटा का शादी नहीं हो रहा है, बेटा का शादी के लिए अनुष्ठान करो। ये तो विधान है, हमारे भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन आध्यात्म विज्ञान में बताया गया। किसी को अगर बड़ा कुछ पाना है तो उसके लिए वो अनुष्ठान करता है, टारगेट बनाता है, 1.5 लाख का जप करना है, 5 लाख का जप करना है, इतना हवन करना है, इतना ब्राह्मण भोज देना है। हमारे भारत भारतीय शास्त्र में बताया गया मुंडे तुंडे कुंडे, समझो बात। मुंडे मतलब शिव के मस्तक पे, बनिया का बेटा जब तक शिव के सर में पानी डाल रहा है उसको कोई समस्या नहीं आएगा। रुद्राभिषेक, सही रुद्राभिषेक अगर करते हो तो असंभव संभव हो जाता है। आज तक फेल नहीं खाया एक भी रुद्राभिषेक, एक सिंगल रुद्राभिषेक। कलयुग में भी गधा से गधा पंडित रुद्राभिषेक करता है तो भी रिजल्ट देता है। और हम लोग तो Type 1 कंडक्टर है ना, Type A वाला है ना, हायर साइड लाइसेंस वाले हैं, समझो 10-20 हज़ार से नीचे बात नहीं करते हैं। वो 500 रुपये का पंडित रुद्राभिषेक करके रिजल्ट देता है, बात समझ में आ रहा है? हम लोग जब जाके करेंगे, हमारे जो प्रोफाइल है नीचे तो बात नहीं करते, अच्छा वैसे मेहनत भी करते हैं, पीछे तपस्या बल है, गर्व घमंड से नहीं कह रहा हूँ। तो रुद्राभिषेक कराना ठीक, ऐसे ही ये मुंडे मतलब शिव के मुंड में लिंग में है। उसके बाद कुंडे, कुंडे मतलब हवन कुंड। आप देखो यहाँ हवन कुंड है, फील्ड में हवन कुंड है, मेरे घर में हवन कुंड है, मेरा गुरुकुल में हवन कुंड है। तो चंडी यज्ञ करना, रुद्र यज्ञ करना, विष्णु सहस्रनाम यज्ञ करना, माँ दक्षिण काली का यज्ञ सहस्रनाम हवन करना, कुंड में देना, हवन करना, बड़े बड़े कार्य असंभव सिद्ध हो जाते हैं हवन से। राम जन्म नहीं हो पा रहा था, दस 3 शादी कर लिया, उसका कोई बच्चा नहीं था, पुत्रष्टि यज्ञ क्या हुआ, 12 साल से अकाल था, बारिश नहीं हो रहा था, कुंड में हवन किया, बारिश हुआ। और मैं तो अपने जीवन में तो जीता जाता नमूना हूँ। अब इतने कुंड लेके कोई पंडित बताओ, एक पंडित राउरकेला में ढूंढ के लाओ ना, जिसके जीवन में 4-4 कुंड, गर्व से नहीं कह रहा हूँ, 4-4 कुंड को मेंटेन करना, बड़ा कुंड छोटा कुंड सामान्य कुंड, अब पीतल का कुंड तांबे का कुंड लेके बैठ के काम कर रहा हूँ। कुंड से काम होता है, हुआ है, कर रहे हैं, जिसका बच्चा भी नहीं हो हवन करके बच्चा भी दिलाते हैं, हम नहीं देते, देने वाला वो है, हम तो निमित्त मात्र भव सभ्य साची। ठीक है, तो ये गया कुंड कुंड तुंड, ब्राह्मण भोजन नहीं होता है, ब्राह्मणों को खिलाओ, आम आदमी को खिलाएंगे, होगा नहीं होगा, सबको खिला दें तो नहीं होगा ना। ये अभिशप्त पंडित का जो मुंह है, तुंड है, यहाँ डालना पड़ेगा। ब्राह्मण भोजन का विधान है, जाति विशेष के ब्राह्मण नहीं कह रहा हूँ, जो आध्यात्म, मेरा गुरु जात का तेली है, लेकिन आप खुद देख रहे हो डेली लाइन लगता है गाड़ी में, 50 लाख का गाड़ी लेके लोग लाइन लगाते हैं गुरुदेव प्रणाम, और आदमी का कुछ औकात नहीं है, क्यों? ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया है, साधना है, ब्रह्म साधना है, तपोचारी है। तो आप अगर मुंड तुंड कुंड में लोगों का आप अगर सेवा करोगे या अनुष्ठान करोगे तो संभव है। एक आदमी का नहीं हो पता, 108 ब्राह्मण को खिलाना है, बोले ब्राह्मण कहाँ से आएंगे 108, बोला वो हमारा दायित्व है। और बोलो क्या नहीं होना, हमें करके दिखाता हूँ, कोई पूजा पाठ नहीं, 108 ब्राह्मण को भोजन दो, हुआ जो नहीं होना चाहिए था उसके घर में। लेकिन संकल्प सहित है ना, अनुष्ठान के अनुसार करोगे, गर्व घमंड के साथ नहीं खिलाओगे ब्राह्मणों,
सेवा भाव से खिलाओगे। तो कुंड मुंड तुम, और आखिरी मुंह है गौ माता का मुख। गौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम कहा गया, गौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम। गाय का मुंह में ब्राह्मण के मुंह में देना असंभव सिद्ध होता है। अनुष्ठान कर लो, नहीं होता है हमें आके बात करो कौन सा चीज नहीं हुआ है। और आज कर रहे हैं, 35 साल से करते करते आ रहे हैं, बचपन 50 साल से देखते देखते आ रहे हैं, दादा परदादा करते थे, कर करके हुआ है। 14 साल जिसका घर में बच्चा नहीं हुआ उसके घर में भी बच्चा करके दे दिए। दरिद्र भिकमंग का खाना नहीं था उसके घर में आज खड़े हैं, आज मॉल बना के। तो ऐसे ही बाधा, ग्रहों के बाधा आते हैं, कट भी जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। अनुष्ठान में शक्ति है। एक का गारंटी जेल था, सतचंडी कराया, 100 चंडी पाठ, आज ठीक ठाक है। कितना गुणगान करूंगा। दो बच्चे उसके थे और ज्योतिष बोला कि मरेगा, और डॉक्टर्स भी बोले मरेगा, और उसको महारुद्राभिषेक कराया गया। महारुद्राभिषेक एक साथ एक प्लॉट शुरू होगा, 12 रुद्राभिषेक में समापन होता है। जिंदा है, घूम रहे, डॉक्टर भी चमत्कृत। डीएनए करके यूट्यूब चैनल है, देखिए एम्स का पड़े हुए सालों से पड़े हुए बीमारी, पैरालाइज्ड ब्रेन पैरालाइज, पार्शियल पैरालाइज, यूट्यूब में डॉक्टर का रिसर्च है। महामृत्युंजय यज्ञ कुंड में किया, खड़े होके घूम रहे, न्यूज चैनल वाले कवर कर रहे हैं। आप देख लो यूट्यूब में डीएनए मार के देखो, महामृत्युंजय मंत्र का रिजल्ट, गायत्री मंत्र का रिजल्ट, यज्ञ हवन से रोगियों के ऊपर क्या इफेक्ट, अग्निहोत्र से क्या क्या चमत्कार हो रहे हैं। जिसका विश्वास है, विश्वास से मिले ही हरि तर्के बहुत दूर, जिसका विश्वास है उसको मिल जाएगा, जिसका नहीं है नहीं मिलेगा, रोता रहेगा, क्या कर सकते हैं। हम तो खेल कृष्ण का करते हैं ना, कृष्ण दुर्योधन को समझा सकता है, शकुनी को समझा सकता है, रोक नहीं सकता। कर्म तेरा है बेटा, हमें कुछ भी ना लेना है ना देना है, पता है धरती गोल है, यही लेंगे यही गिर जाएगा। आपको रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए, तो आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा। अनुष्ठान का तो यही खेल है ना। क्लियर, समझ में आ गया।